जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सोनभद्र के वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार पे, और जो है बनारस से लगभग 96 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, एक वीर लोरिक पत्थर वाला स्मारक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कहावतें हैं, कुछ कहावतें अलग अलग हैं, वो आप जान सकते हैं। वीर लोरिक का क्या कहावत था कि उन्होंने एक तलवार से एक पत्थर को दो टुकड़ों में कर दिया था, क्या था। दोस्तों यहाँ का जो मेन नज़ारा है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ का जो मोड़ है ना, ये जो घाटी है ना, मरकुंडी घाटी, इसका आप लोगों को दिखाता हूँ कितना ज़्यादा खतरनाक है। और खतरनाक तो है, लेकिन साथ में जब आप चलेंगे ना तो आपको यहाँ पे इस रोड में चलने में आनंद भी बहुत आएगा, क्योंकि उस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है। देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। दाहिने तरफ है ना, पूरा एकदम पहाड़ी, एकदम ऊंचा ऊंचा है, और आपको देखने में ऐसा लगेगा ना, पहले तो ये देखिए कितना तीव्र मोड़ है यहाँ का, और एकदम ढलान, एकदम घाटी में जा रहे हैं हम लोग, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे व्यू दोस्तों, यहाँ से दाहिने तरफ आपको यही रोड जब जाएगा आगे, आपको देखने को मिलेगा आगे जाता हुआ। लेकिन यहाँ से देखिए वहाँ का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। देखिए इस तरफ बाएं तरफ में पहाड़ है और दाहिने तरफ में घाटी है, और ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं। उसका रीज़न क्या है वो आप लोगों को देख के समझ में आ ही रहा होगा कि बहुत ही खतरनाक टाइप का ये रोड है, और बहुत ही सार टर्न वगैरह भी है यहाँ पे। देखिए कैसे हम लोग वहाँ से उतरे हैं और इस रोड पे आ गए हैं एकदम सार टर्न लेके, और सामने का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा किस तरीके का है ना। तो एकदम जान लीजिए कि एकदम मन आनंदित हो उठेगा आपका, अगर आप इस तरफ से, इस रोड से अगर इस तरफ आगे जाते हैं मरकुंडी घाटी की तरफ, नीचे की तरफ। तो दोस्तों इधर दिख नहीं रहा है अभी, हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके का घाटी का नज़ारा आएगा, और फिलहाल आप इस नज़ारे का लुत्फ लीजिए, लुत्फ उठाइए। देखिए हम लोग वहाँ से आए हैं, वो जो आपको दिख रहा होगा पहाड़ी वैसे होते हुए, और ये बहुत ही खतरनाक रोड है यहाँ पे दोस्तों ना। अगर मुझे लग रहा है कि गाड़ी अगर मैं बंद भी कर दूँ ना, तो एक्सीलरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ते हुए निकल जाएगी, क्योंकि इस तरीके का ये ढलान है। देखिए एकदम शार्प टर्न के साथ साथ एकदम ढलान वाला रोड, एकदम घाटी में जा रहे हैं। देखिए इस तरफ का क्या नज़ारा आ रहा है दोस्तों, देखिए कैमरे में कितना दिख रहा है बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ से ना आँखों को जो सुकून मिलेगा आपको इस नज़ारे को देख के, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। देखिए हाईवे दिख रहा है आपको यहाँ से, कितना बेहतरीन लग रहा है, एकदम मन आनंदित हो उठेगा आपका यहाँ से जैसे ही आप गुजरेंगे इस रोड से होते हुए। तो और यहाँ पे जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि ये दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र है। आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, कृपया धीरे चलें, दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र। ब्रेकर तो भैया भर भर के लगाए गए हैं ताकि दुर्घटनाएं से थोड़ा सा बचा जा सके। देखिए एक और ये एकदम शार्प टर्न आ गया है दोस्तों, ये देखिए किस तरीके का ये टर्न है। और इधर अगर हम लोग देखेंगे बाएं तरफ में, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अच्छा वो रोड लग रहा है कि वो अलग रोड है, वो ऊपर चढ़ने के लिए है। अच्छा ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ से क्या मस्त व्यू आ रहा है दोस्तों सामने पहाड़ी का। और अभी तो हम लोग नीचे घाटी की तरफ जा रहे हैं, जब हम लोग ऊपर चढ़ने लगेंगे ना तो यहाँ का नज़ारा और भी बेहतरीन समझ में आएगा आपको, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और ये हम लोग आ चुके हैं जो ऊपर से आपको पहाड़ी के ऊपर से दिखा रहे थे हाईवे, ये वही हाईवे है, अभी हम लोग वहाँ नीचे आ चुके हैं। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये मरकुंडी घाटी का चढ़ाव है, और अभी समय हो रहा है शाम के 5:34। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ऊंचा चढ़ाई है ये, देख रहे हैं आप लोग, मतलब अभी तो ये एक राउंड हम लोग आ चुके हैं, एक बार का आपको देखने को मिलेगा। उधर जो लाइट दिख रही है नीचे घाटी की तरफ, वहाँ से चढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे आए। देखिए एक तरफ से कितनी सारी बस और कितनी सारी ट्रकें जा रही हैं एक तरफ से, देखिए
और जाना कहाँ है, ऐसे ऊंचे पे चढ़ते चढ़ते वहाँ तक जाना है, एकदम ऊंचाई पे जो आपको लाइट दिख रहे होंगे, वहाँ से होते हुए फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि व्यू कैसा आ रहा है, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और देखिए यहाँ का पूरा व्यू कैसा है, ये देखिए पूरा पहाड़, अभी उसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा हम लोगों को, रोड घूम घूम के एकदम जलेबी की तरफ फिर जाता है, शायद इसी को बोलते हैं जलेबिया मोड। दोस्तों बताइएगा इसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है।